या अपने बेटे की जान बचाएगा? बोल। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो प्लीज। ओके, मैं इसे छोड़ दूंगा, जाओ। क्यों एक बात पर अड़े रहते हो? अगर तुम्हारे बेटे को कुछ कहीं पर हो जाता तो? आज अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो हर बार उसकी बात माननी पड़ती। हमारे किसी अपने को सामने रखकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और हम लोग डर से झुक जाएंगे तो जिंदगी भर के लिए हम लोग अपनी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगे। ए, तुम वहां जाकर खेलो, हम उधर क्यों जाएं? तुम लोग जाओ। ऊंची आवाज में बात मत कर, जानता है मैं कौन हूँ? शंकर पहलवान का बेटा हूँ। होशियारी करेगा ना पेट में डाल दूंगा, चल फुट। ए, वो गुंडे का बेटा इसलिए चाकू दिखा रहा है। तू पुलिस का बेटा है, तू पिस्तौल लेके आ। पिस्तौल? सिर्फ डराने के लिए। अगर हम लोग ये लोग से डर गया तो रोज रोज आके हमें डराएंगे। जा जाकर तू घर से गन लेके आ। हाँ हाँ, जा जा जा, घर से गन लेके आ, जा जा, जल्दी जल्दी। पिस्तौल लेके आ इन लोग। तुम लोग फटाफट यहाँ से भाग जाओ। नहीं गए तो मारे जाओगे। सॉरी डैडी। मम्मा। डैडी डैडी माफ कर दीजिए। सुनिए जी। डैडी सॉरी डैडी। सुनिए जी। कुछ नहीं करूँगा। दरवाजा खोलिए। तुम मारे इस डैडी माफ मारे इसे। कुछ करने के लिए जी। डैडी डैडी इस तरह क्यों मारे हैं इसे? क्या कसूर है इसका जो इस तरह से मारे जा रहे हैं? नो मीनाक्षी नो, तुम असली बात जानती ही नहीं हो। पुलिस ऑफिसर होने के नाते इसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहिए मुझे। आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ पता है, इसने क्या किया है पता है? मेरी सर्विस रिवॉल्वर ले जाकर गली के बच्चों को डरा रहा था। सोचो अगर किसी को गोली लग जाती तो व्हाट कुड हैव हैपेंड। मीनाक्षी? क्या है जी? मीनाक्षी, वो बंदूक में से गोलियां निकाल कर लेकर गया था। मैंने खाम खाम उसे डांट दिया, उस पर गुस्सा किया। अब मैं क्या करूं? यही बात तो मैं उन्हें समझाना चाहता था, पर उन्होंने मुझे बहुत मारा। अब वो मुझे हमेशा चोर की नजरों से देखेंगे। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। भानु है क्या? वो घर पे नहीं है, सुबह से कहीं गया हुआ है। अजी, वो भी यहाँ पर नहीं है। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने मारा ना, इसलिए वो डर के मारे गांव छोड़ के चला गया। सॉरी आंटी, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। सुनिए सर, इनके सर पर जो जख्म लगा है उसे हम मिटा सकते हैं, लेकिन इनके दिल पर जो जख्म लगा है उसे नहीं मिटा सकते। इनको ठीक करने के लिए आपको अपने बेटे को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा। जो इंसान गुम हो जाए उसे ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो घर छोड़कर चला जाए उसे कैसे ढूंढे? डॉक्टर, मेरा गुस्सा करना गलत था, लेकिन उसकी माँ का क्या कसूर था? मेरे की हुई गलती की सजा मुझे देनी चाहिए थी, अपनी माँ को क्यों दी? इतनी उम्र में उसे इतना गुस्सा है, इतनी छोटी उम्र में माँ बाप की परवाह ना करने वाले बच्चे को मुझे परवाह नहीं नहीं है। प्लीज Oh,
हुआ क्या? नहीं सर, कोशिश के बाद भी कोई क्लू नहीं मिला। ये जो चोरी हुई है उसमें लेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, लगता है कोई मामूली चोर नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, गिनीज बुक में उसका नाम दे दे क्या? वो हमारे अपोजिशन वाले पार्टी मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा सर, हमने कुछ जानकारी हासिल की है। इसका नाम है सरकार। एक वक्त था जब साउथ इंडिया में नामचीन चोर था, इसके नाम से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कई केस दर्ज है। सर 12 साल पहले हैदराबाद में ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगी थी, तब उसने चोरी करने की कोशिश की थी, मगर वो पकड़ा गया सर और फिर वो जेल से फरार हो गया। अब उसकी तलाश में सर। ये आप लोग आज के चोर को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो 12 साल पहले के चोर को कैसे पकड़ेंगे? आपने हाईटेक सिक्योरिटी लेजर लगाया है, जगह जगह पे कैमरा लगाया है, ऐसा कहा था आपने, मगर वो चोर चोरी करके चला गया, आप फोटो भी नहीं ले सके। मेम साहब, हम सब लोगों का ख्याल रखने वाली माँ आज इस तरह से उदास बैठी है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। जिस माँ का एक बेटा 10 साल पहले छोड़कर गया हो वो कैसे खुश रह सकती है? वो न जाने कब वापस आएगा और कब मेरी माँ के चेहरे पे खुशी आएगी। कुकू, कल मम्मी बर्थडे नहीं मनाएगी, पर उनका मुंह तो मीठा कर सकते हैं। आप कोई भी स्वीट बोले ये कुक अभी बना देगा, लेकिन माँ नहीं खाएगी। अरे तो बना तो दे, मैं मम्मी को खिलाने के लिए बाजू वाली इंदु को लेकर आऊंगी। वो कौन है? अच्छा वो बाजू वाली। पेपर पढ़ना छोड़ दीजिए और ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इंदु कहाँ है? इंदु, आज मम्मी का जन्मदिन है। तो तुम्हें क्या लगा मैं भूल गई? ये देखो बुके रेडी है। हैप्पी बर्थडे माय डियर आंटी। मुझे ये सब पसंद नहीं है इंदु। क्यों, क्यों पसंद नहीं? क्या आप नहीं चाहती, क्या आप नहीं चाहती कि मेरी शादी द्रोणा से हो? क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? ना? नहीं तो क्या, मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं ऐसे कह रही हूँ? तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। आप झूठ बोल रही हैं, नहीं तो आप इस तरह से खामोश नहीं रहती। तो मैं क्या करूँ बेटी? आप बर्थडे क्यों नहीं मना रही है? उस बात से इस बात का क्या लिंक है? अभी बताती हूँ। अगर कल मुझसे द्रोणा ने ये पूछा क्यों तो मेरी मम्मी का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी और शादी से इनकार कर दिया तो मैं क्या कहूँगी? मैंने मना कर दिया ऐसा बोल दूंगी। आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही उसे बता दूंगी। मैं उसे कहूँगी देखो मैंने क्या क्या किया था, आंटी से मिलने आई, स्वीट बनाई, वो क्या लेकर आई, और तुमने क्या किया ये बताओ, तुमसे बेटर मैं हूँ, है ना आंटी? अच्छा पापा ठीक है, मेरे बेटे से तो कोई भी नहीं लड़ सकता। वो मुझसे कितना प्यार करता है। मीनाक्षी, अरे बाप रे मालिक आ गए। क्या इंदु, तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्या मैंने क्या किया? हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं और तुम हमेशा याद दिला देती हो। जब भी भुलाने की कोशिश करती हूँ ये आकर याद दिलाती है। इंदु जब भी आकर उसके बारे में बात करती है मुझे कितनी खुशी होती है, आपको क्या बताऊँ। मुझे इसी बात का तो डर है, सपने और पुरानी याद एक जैसी होती है, क्योंकि वो जिंदगी में लौट कर फिर नहीं आती है। पुरानी यादों के कारण अपनी आज की खुशियों को भूल जाना, इससे जिंदगी में दुखी दुख मिलता है। मेहरबानी करके उसे भूल जाओ। वो सब बातें तो ठीक है अंकल, लेकिन आप कुछ भूल गए हैं, मैं आपको याद दिलाती हूँ। आज आंटी का बर्थडे है। I'm very sorry. Many many happy returns of the day, my home. सर, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा सर, पहले आंटी को मंदिर ले जाइए, वरना जानते हैं ना मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे उंगली दिखाकर बात करती हूँ। हे भगवान, इतने सालों से आपसे एक ही प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे बेटे को मुझे वापस लौटा दीजिए।
बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? कुछ ए, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये बात तो मुझे पूछना चाहिए। ड्राइविंग करते हो, लाइसेंस है क्या? ए, पुलिस ऑफिसर से लाइसेंस मांग रहा है। पुलिस सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ। तू रोड के बीच में भाग रहा था, चोरी करके भाग रहा है। सर, जो भागता है वो चोरी होता है, और जब वो भागता है तो उसके पीछे लोग तेजी से उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। यानी हर तेज भागने वाला चोर नहीं होता, और मेरे पीछे तो कोई था ही नहीं, यानी मैं चोर नहीं हूँ। बोलिए ना, क्या मैं आपको चोर नजर आता हूँ? तो फिर तुम चोर के पीछे भाग रहे थे? एनी डाउट? कहाँ है चोर? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो दिखाई दे तो चोर कैसा सर? जब कोई एक्सीडेंट करता है तो हम पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन जब एक जिम्मेदार पुलिस वाला ही एक्सीडेंट करे तो हम किसको बुलाएं सर? मेरे हॉस्पिटल का खर्चा कौन भरेगा सर? तुम फिक्र मत करो बेटा, हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। चलो कार में बैठो। थैंक यू मैडम। मीनाक्षी, ये क्या? अब देखिए जी, हमारी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है, अब उसको हॉस्पिटल ले जाना भी हमारा फर्ज है। आप चलिए। कहीं फ्रैक्चर नहीं है, जख्म भी नहीं है, कहीं कोई खरोच तक नहीं है, कोई सूजन नहीं है। यू आर परफेक्ट मैन। अगर मैं परफेक्टली ऑलराइट होता तो मैं हॉस्पिटल क्यों आता? आप जरा ठीक से जांच कीजिए ना मेरी। मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में तुम पहले पेशेंट मिले हो जो पूरी तरह फिट है। लेकिन मेरी पूरी जिंदगी में तुम मुझे पहले बेरहम डॉक्टर मिले हो। देखो बेटा, जो तुम्हें लेकर आए हैं पुलिस ऑफिसर हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने गलत रिपोर्ट दिया है तो सीधे लॉकअप में डाल देंगे। जो मैं कह रहा हूँ वो तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जहन्नुम में डाल दूंगा। डॉक्टर साहब, अब ये कैसा है? वैसे तो अच्छा ही है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसका हाथ थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है। क्या हुआ? अरे, इसका हाथ मानसिक दौर से गुजर रहा है। मानसिक दौर से हाथ गुजर रहा है मतलब? कुछ घाव ऊपर से दिखाई नहीं देते, इसे हम मानसिक दौर से गुजरना कहते हैं, और इसके हाथ की हालत भी वही है। ठीक है डॉक्टर, बिल कितना हुआ? जब मैंने ट्रीटमेंट ही नहीं किया तो बिल कैसा सर? ट्रीटमेंट नहीं किया मतलब इसका हाथ तो पता नहीं, आज मुझे मेंटल केस ही मिल रहे हैं। बेटा, अब कैसे हो? अभी तो ठीक हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते तक ये हाथ उठ नहीं पाएगा। वैसे भी ये हाथ मेरे लिए बेकार है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मेरे पास कोई काम है ही नहीं, और एक हफ्ता मैं काम नहीं करूंगा तो खाना नहीं खा पाऊंगा, और खाना नहीं खाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा। अब आप लोग कहोगे कि बेटा चलो हमारे घर, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। अरे बाबा बाबा बाबा, इससे अच्छा तो मरना बेहतर। क्या रे, एक हफ्ते तक मेरे घर में रहने का प्रोग्राम बना रहा है? मैडम सुना आपने ये क्या कह रहे हैं? जी 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 जी, देखिए आप जैसा कह रहे हैं, मैं आपके घर एक निकट्ठू की तरह फ्री में तो नहीं रह सकता, फिर एक हफ्ते के खाने का हिसाब चुकाने के लिए मुझे दूसरा हफ्ता भी आपके यहाँ रहना पड़ेगा, क्या बोलते हैं? क्यों हीरो, दूसरे हफ्ते भी मेरे घर रहने के लिए प्रोग्राम बना लिया? देखिए आप तीसरे हफ्ते के लिए बोलेंगे तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, चलिए घर चलते हैं। देखो तो many returns of this happiness, ऐसे हंसे हुए तुम्हें कितने साल हो गए? सुनिए जी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ये हमारे साथ ही रहेगा। आपका घर तो बहुत अच्छा है जी। संभाल के बेटा। सुनो हीरो, मैडम की वजह से ही तुम आज इस घर में जा रहे हो, अपनी बात को याद रखना। थैंक्स अ लॉट। तुम्हारे जैसे बंदर के रूप में मैडम को बर्थडे गिफ्ट दे रहा हूँ। अरे मैं तो बचपन से ही पुलिस से दूर ही रहा हूँ। सुनो कुकी। बोलिए मैम साहब। इसे ऊपर वाले कमरे में लेकर जाओ। जी मैम साहब। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम बाबा है। बाबा? वैसे ये कौन है? ये हमारा कुक है बेटा। कुकू मतलब कुत्ता है? कुका नहीं बाबू, कुकू 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 करने वाला कुत्ता। अरे खाना बनाने वाला कुकी तो कह रहा हूं। ठीक है, इसे कमरे में लेकर जाओ, हमारी वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया है, और ये जब तक ठीक नहीं होता यहीं पे रहेगा। इसका हाँ ठीक होने तक इसका मतलब ये यहाँ कुछ दिन ज्यादा ही रहेगा। अच्छा कुकु, कार में मेरा सामान लेकर आओ। ये कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। बाबा बाबा, ये रहा आपका कमरा। यहाँ का एसी ठीक से चल रहा है ना? होगा तब तो चलेगा ना। ये जो पंखा है वो चल रहा है ना? है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। ये रूम तो इंसानों के लिए है ना, इसलिए तो आपको दिया है। इस रूम में फालतू सामान है, इसे बाहर फेंक देंगे और आप यहाँ रहेंगे। गेस्ट को इज्जत देना भी नहीं जानते। Mm-hmm.
क्या देख रहे हो? ये आइटम कौन है बे? नाम है इंदु, इस घर की बहू बनेगी ऐसा कहती है वो। यानी आपकी मेम साहब के बेटे के साथ? वो घर छोड़ के चले गए, कब आएंगे पता नहीं, पर्सनल मामला है बाबा। ये बार बार बाबा क्यों पुकारते? मेरा नाम तो चंदू अभी है। बाबा बताया था क्योंकि इसका नाम इंदु है। इतना फास्ट लव करने के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। कितना फास्ट है बाबा। सुनो, तुम इसलिए सब सहेलियाँ हो, इसे समझाओ ना कि मेरे भाई के साथ शादी कर ले। मैंने कहा ना नहीं, अब आप जाइए। कर लेना। मैंने ये नहीं कहा शादी नहीं करूंगी, पर मामा से शादी नहीं करूंगी। पता है हस्बैंड कैसा होना चाहिए? जो मुझसे प्यार करे, मांग में सिंदूर भरे, गले में मंगलसूत्र पहनाए, बिल्कुल एक महाराजा की तरह हो, छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखे। मैं तो ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी। बारे में सब कुछ जान लो, उसका बैकग्राउंड भी पूछ लो। भाई
तुम कॉलेज स्टूडेंट हो भाई? मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ। तुम पुलिस ऑफिसर हो भाई? तो फिर तुम किसी नेता के भाई हो भाई? मैं किसी नेता का भाई नहीं हूँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम कोई नहीं हो तो इस तरह मेरे सामने अकड़ कर खड़े क्यों हो गए? तू छोटा है, कमजोर है, मुझे गाली देगा? आज शनिवार है इसीलिए मैं जुबान नहीं हाथ चलाता हूँ। अच्छा, चाकू घुसते ही तेरी आवाज चेंज हो गई। आई उधर देखो, मेरी बस्ती में आकर दादागिरी करता है भाई। क्या स्टाइल है भाई? मेरा बोलना और घुसाना दोनों स्ट्रेट होता है। आई लव यू। तुम्हारी गुंडागर्दी अच्छी लगी पर चाकू वाली बात ठीक नहीं लगी। ठीक से नहीं घुसाया क्या? वापस जाता हूँ। मैं घुसाने की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी बात मानो तो दादागिरी छोड़कर गांधीगिरी अपना लो। उससे फायदा क्या होगा? जनता की अच्छी तरह से सेवा करोगे और सब लोग तुमसे खुश होकर तुम्हारी जय जयकार करेंगे। गुलाब भाई जिंदाबाद, गुलाब भाई जिंदाबाद, गुलाब भाई जिंदाबाद। नमस्कार भाई। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई। वो देखो उससे स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही है, आप जाकर स्कूटर स्टार्ट कर दीजिए भाई। हाँ भाई। स्टार्ट कर दोगे तो लव के टॉप गियर पे पहुंच जाएंगे। हाँ भाई। मेरे भाई। भाई। ठीक है। हमारी शुभकामना साथ है। हाँ जाओ जाओ। गुड लक। गुड लक। बड़े भाई इंडियन स्कूटर ऐसे नहीं स्टार्ट होता, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट भाई। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। कहाँ गया? क्या हुआ भाई साहब? ये स्कूटर का ऑनर मैं हूँ। इसको मेरे सिवा कोई नहीं चलाता। किलोमीटर के साथ साथ मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है और तू हाथ लगाता है। भाई, अरे भाई, उसने एक गाल पे थप्पड़ मारा है, दूसरा गाल भी आगे करके आ गया। गांधीगिरी करने का यही टाइम है। हाँ भाई, दूसरा गाल भी आगे कर दो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हाँ भाई। बड़े भाई अभी क्या तकलीफ है? अब हम मैडम आप बैठ जाइए, मैडम आप तकलीफ मत लीजिए, मैं हूँ ना। हेलो। हाय आंटी। हाय अंकल। ए, कौन है तुम? मेरी आवाज अंकल जैसी है क्या? तुझे क्या मेरी आवाज आंटी जैसी लग रही है? पहले तुम बताओ कौन हो और तुमने फोन क्यों उठाया? हेलो मिस यूनिवर्स, मुझे नहीं पता था कि आप फोन करने वाली हैं। ए, ज्यादा मत बोलो। मैं तो खामोश था, तूने फोन करके उकसाया। पैसे ज्यादा हो गए क्या? चल फोन रख। ये किस तरह से बात कर रहे हो? मैं तो उससे बोल रहा था। मैं जानती हूँ, वो अपने पड़ोस की इंदु है। इंदु थी? तुम उसे पहले से जानते हो? हाँ मुझे पता है, वो कुकू ने बताया। कहाँ पर है वो? मैंने उसे मार्केट भेजा है आपके लिए कॉर्न सूप बनाना। ना कॉर्न सूप मेरे लिए क्यों? आपके पैर दर्द के लिए, उसमें बड़ी ताकत होती है। तुम्हें कैसे पता चला मेरे पैरों में दर्द है? मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, अभी फोन उठाते वक्त कितनी तकलीफ महसूस कर रही थी। मैं जा रहा हूँ और कॉर्न सूप लेकर वापस आ रहा हूँ। अरे ये कौन है बाबा, कौन सूप बनाने को कहता है? खाना के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ये देखो कुक, इस बुक में सूप कैसे बनाया जाता है लिखा है। नहीं ये कौन है जो मेरे बाप की तरह मुझ पर ऑर्डर किए जा रहा है? इतना तो मेरा सेठ भी नहीं बोलता। जाने देखो, ये सब वो अपने लिए नहीं मालकिन के घुटनों के दर्द के लिए कर रहा है। कुकु ऊपर से कुछ स्मेल आ रही है। मेरे पसीने का स्मेल है? मैं किसी गंदे स्मेल की नहीं, खाने की स्मेल की बात कर रही हूँ। क्या हो रहा है बाबा? बाबा नहीं बे, चंदू बोल, चंदू। करेक्ट, चंदू बाबा। किसी को भी किचन में आना मना है। तो तू यहाँ क्या घास काट रहा है? मेरा किचन है, मैं तो आ ही सकता हूँ। तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी कुक है इसलिए ये यहाँ आ सकती है। और मैं तेरा बॉस हूँ इसलिए यहाँ आ सकता हूँ। बॉस? अरे तुझे सूप बनाने के लिए कहा था ना, तू कहाँ गायब हो गया था? मैडम से कहूंगा ना तो तेरी पोस्टिंग कहीं जंगल में हो जाएगी, समझा कुक? अपनी पोस्टिंग को साइड में रख, क्योंकि अब तेरा यहाँ से भागने का समय आ गया है। अच्छा, तेरे हाथ में जो दर्द था इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? इसने मुझे मारा कम्बो। अबे छोड़ से, तू देखना चाहता तो ये देख, ये देख मेरी पट्टी। हाँ बाबा, कैसे कैसे लोग। सुनो तो, तुम्हें चोट तो दाहिने हाथ में लगी थी ना, तो पट्टी बाएं हाथ पे क्यों बांधी? तूने देवदास फिल्म देखी है क्या? हाँ देखी है, वो भी 15 बार। बहुत ही अच्छी पिक्चर है वो। उस फिल्म में एक गाना है,
दाहिना अगर बाया हुआ तो कोई गम नहीं। वा वा वा। क्या गाता है रे तू? बचपन में मैंने दो प्राइज जीते थे, गाने के लिए और डांस के लिए। अरे कमो फिर मारा। क्या हुआ रे देवदास? दाहिना अब बाया हुआ तो कोई गम नहीं, ये बड़े बड़े लोग गा रहे तो तुझे क्या गम है पागल? तू पागल? बहुत अच्छा है बेटा। थैंक यू मैडम। मैडम मैडम ये शरीफ नहीं है, धोखेबाज लड़का है। क्या बात कर रहे हो? कल जो दर्द दाएं हाथ में था वो अचानक बाएं हाथ में आ गया। अभी दिखाता हूँ। किचन से निकलते ही जख्म बाएं हाथ से दाएं हाथ में कैसे आ गया? कौन है? ए, कौन है यहाँ? जो मुझसे फोन पर पागलों की तरह बात कर रहा था, नया आया है ना, फोन पर बात करना नहीं जानता। इससे कहिए सॉरी बोले। सॉरी बोलूं? बोल दो ना। जो कुछ हुआ उसमें मेरी ज्यादा गलती नहीं है, लेकिन जिस पेड़ में फल होते हैं वो हमेशा झुके रहते हैं, और वैसे सॉरी कहने से कोई इंसान झुक तो नहीं जाता है ना। और वैसे भी मैडम ने कहा इसलिए बोल रहा हूँ सॉरी। अरे कुके, मैडम के लिए जो सूप मैंने बनाया है वो लेकर आ। सूप तुमने बनाया है? तो उसे कुत्ते भी नहीं। अरे ये मैम सब नहीं पियेंगी, ऑर्डर कैंसिल। मैं हूं कौन? इंदु बताओ मैं कौन? तुम्हारा मामा है। ये क्या, तुम्हारा मामा है? कहकर सब स्पॉइल कर दिया। हट। अरे पागल सन्यासी, उसकी आंखें बंद करके पूछना चाहिए, अपनी आंखें क्यों बंद कर रहा है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पहले मेरी और इंदु की शादी हो जाए, उसके बाद मैं उसे छूऊंगा। शादी के बाद अपनी बीवी को छूना? ये तो क्या कह रही है, वो तुम दोनों की शादी की बात कर रहा है। यस, इस पागल से मैं शादी करूंगी। ये क्या दीदी, आपने इंदु से मेरी शादी की बात नहीं की? मैंने तो सोचा था कि आपने शादी की बात कर ली होगी, सुबह शादी शाम को यूएसए, इसीलिए मैं अमेरिका से सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा उठा के यहाँ चला आया हूँ। डोंट वरी मामा जी, मेरी पुरानी नाइटी दे दूंगा। इसका मतलब मैं यूएसए से यहाँ पुरानी नाइटी पहनने आया हूँ? छिपकर पीने से टेस्ट और बढ़ जाता है। तुम्हारा मुझे क्या बोल रहा है? एक हाथ में कप है, एक हाथ में जख्म है, मैं कैसे मार सकता हूँ कोको? ये तो करेक्ट है, फिर किसने मारा? इतना कंफ्यूजन क्यों? तेरा गांव कौन सा है? केसरवाड़ी। केसरवाड़ी पिस्तावाड़ी, इन दोनों को मिला के खा ले, कल्याण हो जाएगा। इसके आगे क्या होगा? चल हट, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। शर्म आ रही है मतलब ये जानती है? डियर ऑफिसर्स, 10 दिन पहले हैदराबाद में जो चोरी हुई थी ये बात सबको पता है। कुछ दिनों पहले उसी हैदराबाद में आंध्रा वाले ने चोरी करने की कोशिश की थी, इसलिए आप सबको ध्यान देना होगा। ये चोरी हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अगर ये बात सच है तो हमें एक्शन लेना ही होगा। सर, उसे इतनी बड़ी दुनिया में ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। सर, अगर वो हमारी डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है इसका मतलब वो हमारे घर में है, ऐसा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सीरियल अभी तक देख रही हो? 4 दिन बाद शादी करके इंदु को भेज दोगी कहा था, आज 1 हफ्ता हो गया। जिस तरह तुम लोग ये डेली सोप देख रहे हो उसी तरह मेरी जिंदगी भी हो गई है। तुम्हारी बेटी मुझे ऐसे देखती है जैसे मुझे पहचानती ही नहीं है। और तुम्हारा ये पति, इन्हें देखता हूँ तो लगता है कि बिना डायलॉग वाला आर्टिस्ट रिएक्शन देके जिंदगी बिता रहा है। इसी टेंशन में घड़ी की बैटरी निकाल कर बैग में रख दिया हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। रिश्ते में तो मेरा भाई लगता है, लेकिन तो मेरे बेटे जैसा है। अरे बाप रे, तू टीवी सीरियल की तरह डायलॉग बोल के मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कर। भाई उसको यहाँ बुलाओ, आज इधर या उधर। क्या इधर उधर, मुझे ये शादी नहीं करनी। अभी नहीं करोगी या कभी नहीं करोगी?
तुम्हारे साथ नहीं। आ, क्यों तुम मुझसे करोगी? ओ मुझसे कर, मुझसे कर ले शादी तू। मेरे इस हैंडसम भाई में क्या कमी है? हाँ किसी हीरो से कम है क्या? ओके ओके ब्रेन की कमी, लेकिन चर्बी तो ज्यादा है ना। ज्यादा सोचता नहीं है लेकिन धोता कितना अच्छा है। अरे तुम लोग शकल अकल को छोड़ के किसी के दिल को क्यों नहीं देखते? हाँ अरे भाई इसको इतनी सारी फीलिंग्स है क्या? हाँ है। देखो भाई आपको ना थोड़ा बदलना होगा। अमेरिका में आप टायर बेचकर ना शान से रहते थे, यहाँ भी आप अपने आप को बेचकर इसे शान से रखोगे। लेकिन लड़कियां महल में नहीं दिल में रहना चाहती हैं। भैया उसे एक छोटा सा फूल भी खरीद कर दोगे ना तो वो प्यार से उसे अपने दिल से लगा लेगी। प्यार से दिया हुआ एक छोटा सा गिफ्ट भी उन्हें खुश कर देता है और वो अपने आप को खुश नसीब समझती है। अगर ये इतना ही आसान है तो ये मेरी बात क्यों नहीं मान रही? अरे खूबसूरत लड़कियां ऐसे थोड़ी मान जाती है। जब से आए हो बस शादी शादी की रट लगा रहे हो। एक बात बताओ कभी उसे पार्क या डिस्को में ले गए हो? किसी अच्छे से होटल में खाना खिलाओ, अपने प्यार से उसके प्यार को जीतो, अपना प्यार उसको महसूस कराओ, ऐसी आग लगाओ जो कभी बुझ ना पाए। अब चाहे कितने भी दिन लग जाए मैं इंतजार करूंगा। प्यार के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, पता नहीं इसको प्यार का कितना एक्सपीरियंस है। चुप रहना। दिल की बात कहने के लिए एक्सपीरियंस जरूरी नहीं। ये सडनली तो दिल की बातें कैसे कहने लगी? कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं लग गया? प्यार करने वाला पास में ही है और मैं उसे पूरे शहर में ढूंढ रही थी। अभी तो उसे अपने दिल में रखना। कैसे? इंदु एक काम कर, आज शाम हम सब पब जा रहे हैं, उसे भी उधर लेकर आ और अपनी मन की बात उसे वहाँ कह। पब? हाँ। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। हाय गर्ल्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इंदु शाम को हम पब जा रहे हैं। क्यों? दिल खोलकर बात करनी है। बाय बाय इंदु। तुमने बात भी नहीं की और तुम्हें बात करने का मौका भी मिल गया। मुझे क्यों बुलाया? मैटर क्या है? कल प्यार के बारे में अच्छी बातें कर रहे थे। जरूरी था, बहुत जरूरी था। हमारी मैडम की बहू बनकर आप आने वाली हैं। कोई दूसरा आपको उठा के ले जाएगा तो मैं चुप बैठूंगा क्या? यू इडियट, वो तो बचपन में ही घर से भाग गया था, उसे पता भी नहीं होगा कि मैं हूँ या नहीं। वो तो आंटी को खुश रखने के लिए मैं हमेशा उनसे झूठ बोलती रहती हूँ, पर अब मैं जाकर आंटी को सच बता दूंगी। नहीं नहीं मैडम जी को मत बताना, मैडम निराश हो जाएंगी। अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो फिर मैं आंटी को नहीं बताऊंगी। मुझे क्या करना होगा? मेरे साथ पब में आना। पब में? हाँ तो ड्राइवर कितना हुआ? 500 सर। 1000 ले लो और जाकर खुशी मनाओ। थैंक यू सर। हाँ सुन लो मेरी इंदु, तुम्हारा दीवाना आ गया। मिस्टर डीजे। अरे बाप रे, ये सब लोग किधर जा रहे हैं? मैंने तो यही पब बताया था। ए इंदु पब इधर है। हाय चलो ना। हाय इंदु, हाय थैंक यू। ए हाय, तो आखिर तुम उसे यहाँ ले ही आई ना? हाय पब, वेलकम यू ऑल फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। आज के दिन अपना पब फिफ्थ, सॉरी अपने पब की सिक्स्थ एनिवर्सरी। आई वेलकम यू ऑल एंड देयर इज अ वेरी सरप्राइज स्पेशल गिफ्ट फॉर यू ऑल। अभी मैं एक चैलेंज देने जा रहा हूँ और जो जीतेगा उसको मिलेगा हमारी ओर से एक बहुत प्यारा गिफ्ट। आर यू रेडी? आई एम सॉरी गर्ल बट दिस गिफ्ट इज ओनली फॉर बॉय। प्लीज गर्ल मूव आउट दिस साइड, मूव 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 प्लीज मूव। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द गेम। ओके, हम उधर एक बॉल रखेंगे और उधर एक गन होगी और उस बॉल पर जो लड़का गन से निशाना लगाएगा उसे मिस मुंबई शीला अग्रवाल डिसाइड करेगी कि कौन सा गिफ्ट देना है। नाउ लेट्स वेलकम मिस मुंबई शीला अग्रवाल। हाय गाइस, ये गेम जो जीतेगा उसे क्या गिफ्ट मिलेगा पता है? कम ऑन बॉयज, कम ऑन हरिया।
यू। हमारी इज्जत का सवाल है। शूट करना और सूट बनाना अलग बातें होती हैं। ये तुमसे नहीं होगा। वो जा रहा है। कैसे रुको? कांटे को कांटे से निकाला जाता है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? हाँ? कभी जो ऐसा है वो ये नशा ये कैसा है उतरे न कभी जो ऐसा है जंतर मंतर जैसा है काला जादू जैसा है नशा ये कैसा है उतरे न कभी जो ऐसा है जंतर मंतर जैसा है काला जादू जैसा है रूप है तेरा छा मेरी आंखों में खुशबू बन के गई है समा तू मेरी सांसों में I'm a beauty, you are a beauty, you are my naughty, you are my dear. ओ ए नशा ये कैसा है उतरे न कभी जो ऐसा है I'm just known by you one kiss ya, you my bliss ya, be my bliss ya. तेरी तमन्ना तेरा ही सपना है मन में तेरा ही नगमा तेरा ही अरमा रात और दिन में इतना मुझको चाहे क्यों भरते हो यूं आए क्यों ऐसे क्या मैं सुंदर हूँ उद्वाले कहते तू चढ़ गई तू जादू बनके मेरी नस नस में जाना उसने तेरा मुझसे मेरा ले गया दिल रे नारा 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 रे You are my lovely, you are my bubbly, you are my jiggly, you are my love Oh, ए नशा ये कैसा है इतने न कभी जो ऐसा है जहाँ भी जाए जहाँ भी देखे है तू ही कोई जगह न है ऐसी जग में तू नहीं जा रे You are my lovely, you are my bubbly, you are my jiggly, you are my love. Ah, hey, bio, hey, bio, hey, nasa.
ये कैसा है उतरे न कभी जो ऐसा है जंतर मंतर जैसा है काला जादू जैसा है मेरी आंखें हैं सेक्सी मेरी चाल भी है सेक्सी जैसी देखो न जाने मुझे सही इतना तो मुश्किल रूप तेरा है जा मेरी आंखों में खुशबू बन के गई है समा तू मेरी सांसों में You are my beauty भाई साहब यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की और एक साधारण सा लड़का आए हैं तुमने उन्हें देखा आप ऐसा टी शर्ट मत पहना करो ये क्या कर दिए क्यों दूध देने वाली जर्सी गाय लग रहे हो नहीं पहनोगे तो सर पीछे लगेगा कुकु चंदू कहाँ है साहब रात में शिकार के लिए गए थे अभी तक सोए हैं उठने में टाइम लगेगा अच्छा तो यहाँ सो रहे हैं कुछ और करना होगा उसने अपने हाथ पर मेरा नाम गुदवाया था और उसे देखने के लिए ये देखो ये मैग्नीफाइंग ग्लास मुझे गिफ्ट किया था द्रोणा सच बताओ तुम्हारा नाम चंदू नहीं है ना तुम मीनाक्षी आंटी के बेटे द्रोणा हो ना हाँ क्यों 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 उन्हें छोड़कर चले गए थे और इतने सालों के बाद एक अनजान बनकर उन लोगों के साथ रह रहे हो मैं हमेशा उनसे यही कहती थी कि आज नहीं तो कल तुम जरूर लौट कर आओगे और उन्हें माँ कहकर पुकारोगे मैं ऐसा नहीं कर सकता इसीलिए तो मैडम कहता हूँ तुम्हें पता है क्यों क्योंकि अगर मैं माँ कहकर पुकारूंगा ना तो एक माँ का दिल मुझे आसानी से पहचान लेगा इसी बात का डर है मुझे अब इसका क्या मतलब है मैं अपना अतीत बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता मेरे पापा जो दूसरों की गलतियां नहीं सह सकते उन्हें जब मेरे गुनाहों के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे उनसे मैं झूठ नहीं बोल सकता ऐसा कब तक चलेगा नहीं जानता मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे उन्हें खुश रखना है हमेशा अगर जैसा मैंने सोचा वैसा हो गया तो उसी दिन उन्हें सब कुछ बता दूंगा किसी दिन मेरा अतीत मुझे ढूंढते हुए मेरे सामने आएगा और उसे पता भी नहीं होगा कि उसका इंतजार मैं सदियों सदियों से कर रहा हूं मार दिया मामा मर गया सारा सरकार अग्नि पर्वत को ब्लास्ट करने के लिए लावा को दबा कर रखना पड़ता है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालूं तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी अगर मेरी दुश्मनी कम होती दिखती है तो मेरा विषनाग की तरह और बढ़ता है उस द्रोणा से मेरी दुश्मनी उसका एक एक बूंद खत्म होने तक खत्म नहीं होगी दुश्मनी निभाने के लिए दोस्ती करनी पड़ती है अब उसे ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है मैं उसे ढूंढ कर लाऊं मामा हम जिस नुक्कड़ से लाए थे वो वहीं पर मिलेगा सरकार आंध्रा में उसे हम कहाँ कहाँ ढूंढें वो कब तक मिलेगा और पुलिस भी हमें ढूंढ रही है हमें चोर की तरह बचकर उसके सामने से आना चाहिए तो पुलिस को कह दूं ढूंढने के लिए आप कहोगे तब पुलिस के लोगों से देखो मैं एक खेल खेलूंगा उसमें तुम कहीं नहीं रहोगे विक्रम इस खेल के लिए तुम सही आदमी हो चलो खेल शुरू करते हैं है? We'll be right back.
बैठिए मैं लाता हूँ। ठीक है मैं जल्दी लेकर आता हूँ, आप यही रुकिए। अरे क्या हो गया? अरे तू क्या हो गया? अरे जाओ जाके पानी लेके आओ। अरे बेटा जरा इनके लिए पानी लेकर आओ। बीमार आदमी को खराब पानी क्यों पिलाते हो यार? ब्रांडेड सोडा सिर्फ ब्रांडी और विस्की में मिलाने के लिए नहीं, प्राण बचाने में भी काम आता है। बड़ा शुभ काम किया है आप। थैंक यू। हाँ पीजिए दादाजी, आराम से पीजिए, जान में जान आ जाएगी। हाँ पीजिए। हाँ नाना भाई, तुम्हारे बाबूजी को मैंने अभी सोडा पिलाया। मैं पानी लाने गया था, आपने इस बीमार आदमी को सोडा पिला दिया। क्या किया तुमने नाना? तुमने मेरे नाना को सोडा पिलाकर मार दिया। आप लोग अच्छे पति पत्नी हैं, इसलिए पहला कार्ड आपको दे रहा हूँ। आप लोग मेरे बेटे की शादी में जरूर आइएगा। ठीक है। देखिए जी, कुछ साल पहले तो स्कूल जाया करता था और अब देखते देखते शादी के लायक भी हो गया है। अगर आपका बेटा होता तो आप लोग भी उसकी शादी की तैयारी कर रहे होते। अच्छा तुम चलते हैं। नमस्कार। नहीं मीनाक्षी, उस भगोड़े बेटे के बारे में सोचकर रो मत। छी। मैडम आपका बेटा कभी ना कभी जरूर आएगा। सर अब बस भी कीजिए। तब से मेरी पत्नी इसी दुख में डूबी हुई है, उसकी हिम्मत बढ़ाने वाला मैं खुद दुखी हो जाऊंगा। तो उसको हिम्मत कौन देगा, कौन उसका ख्याल रखेगा? इसीलिए मैं उससे नाराज होने का नाटक करता हूं। हम दोनों पति पत्नी इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि वो एक न एक दिन हमारे पास लौट कर आएगा। मुझे यकीन है कि वो जहां पर भी है खुश है। मैं पिताजी को बता दूंगा कि मैं ही उनका बेटा हूं। नमस्ते, टीवी 5 न्यूज बुलेटिन में स्वागत करते हैं। आज का मुख्य समाचार है, राष्ट्र में जो एक के बाद चोरियां हो रही है उसकी वजह से गवर्नमेंट और पुलिस बहुत ही उलझन में पड़ गई है। दो दिन पहले जिस तरह से हैदराबाद में चोरी हुई और उसी तरह से विजयवाड़ा में भी चोरी हुई है। जिस तरह से चोरियां हुई है उनका तरीका देखकर पुलिस का अनुमान है कि मैसूर के किसान ज्वेलरी में चोरी हुई है, उसी तरह से ये चोरियां भी हुई है। चोरी करने वाले गैंग को पकड़ने के लिए जितनी भी कोशिश की जा रही है वो सारी नाकाम हो रही है। सर मैसूर के ज्वेलरी चोर पर और यहाँ के चोर दोनों पर पुलिस की नजर है, मतलब दोनों चोर एक ही है क्या सर? मतलब बोल नहीं सकते, हजार करोड़ के माल को अपने पास रखने वाला इंसान ये छोटी मोटी चोरियां क्यों करेगा? लेकिन चोरी करने का तरीका एक ही है, इसलिए इस चोर को पकड़ने से मैसूर का चोर वो है कि नहीं ये हमें पता चल सकता है। एटलीस्ट उस मैसूर के चोर का नाम या उसकी फोटो हमको जरूर मिल सकती है। हाँ। हैदराबाद और विजयवाड़ा में चोरी हुई, इसका मतलब नेक्स्ट टारगेट वाइजाक उसका निशाना है। इस मौके को हमें किसी कीमत पर नहीं गंवाना है। Now everybody understood? Yes, sir. ये सब क्या है मामा? पुलिस वालों से आप द्रोणा को पकड़वाओगे आपने कहा था, और अपने ही लोगों को भेजकर आप जैसे चाह रहे हो वैसे चोरी करवा रहे हो। अभी पुलिस वालों की नजर हमारे आदमियों पर होगी। इधर ये सब जो हो रहा है ये सब क्या है मामा? थोड़ा सा सब्र रखो सरकार, दिया तो अभी जलाया, पूरी तरह से उसे जलने दो, बम तब फटेगा। Ooh.
कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, अब जाकर मिला है, अब नहीं बचेगा तू। मैं नहीं, तुम मिल गए हो मुझे। मुझसे लड़ेगा? मैंने जिस विक्रम को भेजा था वो मर गया, और ये सुनकर हंस रहे हो? क्या है ये मामा? मर गया? लेकिन कैसे मर गया? पुलिस के हाथों तो नहीं? देखो, जब किसी बड़ी मछली को पकड़ना हो तो छोटी मछली का इस्तेमाल करना ही पड़ता है सरकार, और फिर इस तरह के खूंखार शेर को पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसी चक्कर में विक्रम शेर के हाथों बलि चढ़ गया। द्रोणा को और गुस्सा है, इसलिए मैंने विक्रम से उसी तरह चोरी करवाया जिस तरह द्रोणा करता है। वो जहाँ कहीं भी कोने में चैन के नहीं सो रहा हो, उसे बैठना ही पड़ेगा। आग के बाद धुआं कहाँ से निकलता है, ये देखना चाहता था मैं। उसे मुंबई जाकर पकड़ना है। शिवनारायण नाम देयस्य धर्मपुत्री भवानी नाम कहाँ जा रहे हो? बाहर जाके भजन करूँगा सोच रहा हूँ। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? ये सब कुछ तुम्हारी शादी के लिए हो रहा है। व्रत करने से व्रत पूरा होता है, शादी कैसे होगी? कैसे नहीं होती, थोड़े दिन सब्र तो रख। अब मुझसे नहीं होगा, मैं जवान हो गया हूँ। फिर भी तुम जिद कर रही हो तो मैं इधर उधर की बात छोड़कर डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, इंदु से तुम मेरी शादी करवाओगी या नहीं करवाओगी? करवाऊंगी। कब? जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब? अभी इसी वक्त इसी दिन मेरी शादी करवाओ। प्रभाकर से पहले मेरी शादी करवाओगी कि नहीं? करवाऊंगी। मैं नहीं करूंगी। तू चुप कर, इसने गलत क्या कहा है? वो तुम्हारे लिए और कितने दिन इंतजार करेगा? पर जो पसंद नहीं उससे मैं कैसे शादी कर लूं? तुम्हारा अच्छा हो यही चाहती हूँ, तुम्हारी पसंद से मुझे कोई लेना देना नहीं। भवानी, ये क्या कर रही हो? ये ना समझ हो सकती है, लेकिन तुम तो नहीं हो ना। तुम्हारी बेटी के मन की बात तुम्हें खुद पूछ के देखना चाहिए ना। इसका मन इसको क्या पता? मुझे बात करने दो। इंदु, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? अगर वो बात नहीं है तो अपनी माँ की बात मान लो। मैं किसी से प्यार करती हूँ आंटी? लो सुन लो, मैंने सोचा वेटिंग है इसलिए चढ़ गया, ये तो ऑलरेडी तत्काल में कंफर्म है। कौन है वो? बोलो बेटी। आपका बेटा आंटी? सच आंटी, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, और अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। ये तो क्या कह रही है? मुझे लगा तुम्हारे बेटे का नाम लेकर खुद को बचा रही है। इसकी बातें सुनकर तुम खुश हो रही थी, ये सोचकर मैं चुप रहती थी, लेकिन मुझे क्या पता तुम्हारा पागलपन बढ़ जाएगा। वैसे भी तुम्हारा बेटा आज तक आया नहीं, पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं। भवानी, इंदु, ये सब मेरी गलती है बेटा, मेरा तो बेटा ही नहीं है। उसके बारे में तुम्हें सपने दिखाकर तुम्हारे दिल में उसके लिए मैंने प्यार जगाया बेटी,
ऐसा करके मुझे एक अजीब तरह की खुशी मिलती थी बेटे, लेकिन बेटे मेरा तो बेटा ही नहीं है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, मेरा मेरा बेटा कभी नहीं आएगा। आ गया है। वो यहीं पर है, हमारे बीच में, हमारे साथ। ये चंदू नहीं, आपका बेटा द्रोणा है। ये देखिए। मदर सेंटीमेंट, माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता, इसलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। भाई साहब, मैंने अनजाने में आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। अगर आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाएंगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। हमें माफ कर दीजिए सर। आंटी। इश्क में है मस्ताना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल हो गया है दीवाना। hey! मस्ताना मस्ताना मस्ताना, दिल इश्क में है मस्ताना। किया दीवाना, अरे मुझ पे चला है तेरा जादू टोना। ओ, मैं हूँ तेरा
तुझसे एक पल नहीं होना। नाम तेरे है जवानी, तू है सपनों की रानी। मस्ताना दिल इश्क में है मस्ताना, दिल दीवाना दिल दीवाना दिल दीवाना, ये हो गया है दीवाना। लागे रे लागे 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 रे लागे रे लागे 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 रे लागे 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 रे लागे रे लागे 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 के लिए ज्वेलरीज दिखाइए। चलो लाइसेंस दिखाओ। क्या मामा, हमारे स्वागत के लिए पुलिस का इंतजाम कर दिया क्या? ए, गाड़ी को ठोक डाल। बिल बना दीजिए। सुनो बेटा, मैं जरा पर्स भूल गई हूँ, कार में है, लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। इसको बचाना है तो पिस्टल ला। हाँ ठीक है, अब जाओ इधर से। प्लान सेक्स है। अरे जाओ जाओ जाकर पकड़ो उसे। Hey, उस तरफ, इधर देखो। Sorry, Vinay Jwana Tarangam, sorry,
माँ, तुम यही रुको, मैं पापा को फोन करके आता हूँ, ठीक है? बेटा, संभल कर। आता हूँ। आ गया ना हाथ में, अब बचकर कहाँ जाएगा? देख लिया ना हम लोग कितने जन हैं? कितने जन आए हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ से कितने जन बचकर जाओगे ये बात जरूरी है। पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। अरेस्ट नहीं कर रहे, इसने झगड़े की शुरुआत की, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि मैसूर में जो भी चोरी हुई वो और किसी ने नहीं, इसने की। नहीं जी, मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती। इसके बचपन में मुझे इससे अलग करके आपने जो गलती की वही गलती फिर कर रहे हैं। बेटा, बेटा अपने पिताजी से कहो बेटा, जो इल्जाम तुम पे लगा रहे वो गलत है, मेरी कसम खाओ बेटा, नहीं तो एक माँ को अपने बेटे से फिर से ये लोग अलग कर देंगे। बोलो। आपने ये क्या किया मामा? आखिर आपने द्रोणा के बारे में पुलिस को क्यों बताया? वो हाथ में आकर भी फिसल गया। पहले वो हमें मिला नहीं, जब वो सामने आया तो उसे देखा नहीं और वो हमारे लोगों को मारकर भाग गया। अगर वो इस बार भी ऐसे ही भाग जाता तो फिर वो कभी नहीं मिलता, इसलिए मैंने उसे फंसाया। अब हम लोग ऐसा प्लान करेंगे, पुलिस स्टेशन से उसको भगाएंगे और हम लोग इसको पकड़ लेंगे। चलो मीनाक्षी, अपने बेटे से मिल ले। ऐसे मत बोलाओ, हमने ऐसे क्या पाप कर दिए हैं जो तुम हमें इस तरह से नोच रहे हो? तुम हमसे दूर थे इसलिए हम दुखी थे,
आज पास हो इसलिए दुखी है। तुम गुस्से में भाग गए थे, मैंने सोचा कि तुम्हें हमारी याद आई इसलिए तुम उड़कर हमारे पास आए, लेकिन नहीं, तुम्हें पुलिस से बचने के लिए इस पुलिस वाले के घर का इस्तेमाल करोगे ऐसा मैंने नहीं सोचा। पापा ऐसा मत कहिए, जिस तरह आप लोग मेरे लिए दुखी थे उसी तरह मैं भी आप लोगों के लिए दुखी था। प्राण भले ही चले जाए पर कभी भी गलत काम मत करो, आपकी ये बात मैं कभी भूल नहीं पाया, लेकिन मेरे अतीत के माहौल ने मुझसे सारे गलत काम ही करवाए। उस दिन मैं आपके डर से घर से भागा नहीं था, मुझे किडनैप किया गया था। खा लो दुरोना। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बुलेट निकाल कर गन लाया था ना। लेकिन खाली गन लाना भी गलत है ना। मुझे देखो, मैं आना तो फिर भी माँ बाप के दर्द को समझता हूँ, इसलिए मेरी बात मानकर तू घर वापस चला जा। माँ तुम सही कह रहे हो, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अंकल मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जाओ। थैंक यू अंकल। मैंने अपने मुकाम की तरफ पहला कदम उठा लिया और मैं इसमें सक्सेस भी हो चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सरकार सरकार सरकार, छोटे बच्चे और बगैर धार की तलवार लड़ाई में कभी इस्तेमाल नहीं होते सरकार, इसलिए उसको धार करके चमकानी पड़ती है और मौका देखकर उसको यूज करना ही पड़ेगा। डैनी, सपना देखना भाई का काम है, आइडिया देना मेरा काम है और प्रैक्टिकल तुम करो। बच्चों को शिष्टाचार में रखने के लिए शिक्षा देना ही सही है। ये सब मुझ पर छोड़ो, इन बकरी के पिल्लों को मैं शेर बना दूंगा। ठीक है। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा। इसको मम्मी पापा की याद आ रही है। वैसे सब लोग सो रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ से भाग सकते हैं। ए बच्चे लोगो, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कहूंगा सिर्फ वही करना, समझ गए ना? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन। क्या हुआ? पैर में लग गया सर। लग गया क्या? मां मां मां।
जिस जगह पर डायमंड्स रखे जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए लेजर किरणें अलग अलग लगाई जाती हैं। अगर ये बॉडी के किसी हिस्से में लग जाए तो वो हिस्सा खत्म हो जाता है और तुरंत अलार्म बजने लगता है। उसे बगैर टच किए जाना है। ये मैं तुम लोगों को आज सिखाऊंगा। तुम लोग समझ गए ना? द्रोणा, तुम घुटनों के बल वहाँ जाकर बैठ जाओ। देखो बेटा, संभल कर जाना। देखो, तुम्हारे ऊपर लेजर लाइट लगी हुई है। इसे किसी भी हालत में अपने जिस्म से टच मत होने देना। कम ऑन, अप। नेक्स्ट। क्या रे, बुलेट क्यों वेस्ट कर रहे हो? विक्रम सर, तुम लोग उस एप्पल को अपने सर पर रखो। ठीक है सर। अब शूट करो, शूट करो। फायर। ये रोज इसी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों रे, थक गया? इतने में ही थक गया? चल शुरू कर। मैंने कहा ना शुरू कर। छोड़ो यार, ये सोचो कि यहाँ से भाग कैसे जाए। घर जाना या नहीं जाना बात की बात है। अगर इंसान की तरह जिंदा रहना है तो पहले डांगे को खत्म करे। हमें यहाँ 10 साल हो गए, हम लोग जिंदा हैं या मर गए ऐसा हमारे घर वालों ने सोचना भी छोड़ दिया होगा। बिल्कुल सोचना छोड़ दिया होगा, क्योंकि इस आइलैंड के अंदर बचपन से हम मौत से लड़ रहे हैं। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर एक मिनट भी नहीं रह सकता था, लेकिन यहाँ रह कर मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं कब मुझे जाना मिलेगा।
दिल्ली नहीं गए मामा अब तक? हाँ जी, दिल्ली जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, बल्कि निजामपुर की ज्वेलरी मैसूर में आ गए, इसलिए अब तुम दुबई जाने की तैयारी करो। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, और जब ये दिन आ ही गया है तो मैं उसे छोड़ूंगा क्या? वही तो। ए! अरे सर्किट हाउस में पावर आ गया है, उसको फटने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, इसलिए हम लोगों को यहाँ से कूद कर भागना होगा। भागो! अरे अरे द्रोणा भागो, बम फट जाएगा। चीता भी 2 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर का फासला तय नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करोगे? हम लोग खड़े खड़े उस बम को डिफ्यूज करके अपनी जान आसानी से बचा सकते हैं। हाँ, जानता हूँ। क्या 2 मिनट में कितना निकाल सकते हो? 1 मिनट ऑलरेडी खत्म। अरे भगवान, चल यहाँ से। शाबाश द्रोणा, गुड। करेक्ट, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। मुक्ति के बगैर जितने शक्ति हो सब बेकार हो जाती है, क्यों सरकार? कम विद मी, कम ऑन माय डियर बॉयज, कम ऑन। आज तक जो तुम लोग मेरी दुनिया में जिंदगी बिता रहे थे, वो अब एक नया मोड़ लेने जा रही है। अगर मेरे एग्जाम में तुम लोग पास हो गए तो तुम लोग ये तहखाना छोड़कर अपने अपने घर जा सकते हैं। उधर से जो आदमी आ रहे हैं उनसे तुम लोगों को भिड़ना है। फर्स्ट राउंड में 1, सेकंड राउंड में 2, थर्ड राउंड में 4 लोग आएंगे, लेकिन ये लड़ाई तुम लोगों को अकेले ही लड़नी होगी। तुम लोग हाथ को हथियार बनाओ या हाथ में हथियार लेकर लड़ो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोई भी किसी को नहीं छोड़ेगा। मरो या मारो होना चाहिए। द्रोणा, हम उन्हें मात नहीं दे सकते, ये मार डालेंगे। इस मौत से पहले मैं अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, वरना। Yeah.
शाबाश द्रोणा शाबाश, तुम्हारे अंदर अकल की ताकत नहीं बल्कि दीवार को तोड़ने वाला दम भी है, इसलिए तुमने हमारे आदमियों को हरा दिया। मैं अपने जुबान के मुताबिक तुम्हें ही नहीं विक्रम और बासु को भी घर भेजने वाला हूं, बट वन कंडीशन। ये क्या है पता है? दुनिया में सबसे कीमती निजाम ज्वेलरी, इनके कीमत लाखों करोड़ों में है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन इन्हें कभी कभी एग्जीबिशन में रख दिया जाता है। जैसे 12 साल पहले इन्हें हैदराबाद में रखा गया था, छोटी मोटी चोरी करने वाला एक चोर कोई बड़ी सी चोरी करके दुबई जाने वाला था मैं, और दुबई जाकर सेटल होने का प्लान बनाया, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया और मैं जेल में बंद हो गया और मुझे जेल में रख दिया। कोशिश करके नाकाम हुआ इंसान हूं मैं, और वो एक एक पल मुझे याद है। उसे हासिल करने के लिए आशा ही नहीं अक्ल की भी जरूरत होती है, और इसलिए मैं जेल से फरार हो गया। और इसीलिए हम लोग तुम जैसे हिम्मत वाले लड़के को ताकतवर बनाना चाहते थे। और हम लोग अपने ग्रुप में कम उम्र के लड़के को क्यों लाते थे पता है? क्योंकि उसी उम्र में दिमाग और ताकत दोनों एक दूसरे में जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं, और अगर हम उन्हें गलत रास्ते पर चलने की ट्रेनिंग देंगे, हम लोग जो उनसे चाहेंगे वो लोग वही करेंगे। इसलिए हमने तुम्हें पौधों की तरह सींचा। कल से मैसूर पैलेस में एग्जीबिशन शुरू होगा, इसलिए उन्हें तुम्हें हासिल करके मुझे ला कर देना। ये चोरी करने का काम हमें पसंद नहीं है। एक नहीं दो नहीं 12 साल, पूरे 12 साल कानून से बचकर देश से भागकर यहाँ इस तहखाने में किसी की नजर में ना आकर इस साम्राज्य को इतने सालों से मैं चला रहा हूँ, तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है? ज्वेलरी, सिर्फ ज्वेलरी के लिए किया है मैंने ये सब। इतने सालों बाद जब मेरी इच्छा पूरी होने का वक्त आया तो तुम लोग मुझे इस काम के लिए मना कर रहे हो। जरूरत हमारी है तो झगड़ा करना ठीक नहीं है सरकार। जब थोड़ी सी हवा आती है तो पत्ते हिलते हैं, पेड़ के जड़ नहीं हिलते। विश्वास नाम की चीज को बढ़ाओ। तुम्हारा काम होने के बाद तुम लोगों को छोड़ दोगे? बोलो। हाँ। द्रोणा, एक सौदा करते हैं। अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे साथ इन तीनों को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को एक साथ मैं आजाद कर दूं। अब सोच क्या रहे हो? सब कुछ तुम्हारे हाथों में। ज्वेलरी ला कर दूंगा तो आप सबको आजाद कर दोगे? उस ज्वेलरी की कसम खाता हूँ। तो फिर ठीक है, हम जाएंगे। शाबाश, जंगल में पलने के बाद भी तुम जानवर की तरह पेश नहीं आए। रुको, बाहर जाने के बाद अगर तुम्हें सोचोगे कि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है तो शायद तुम्हारी भूल है, और तुम अपने घर जाना चाहोगे और पुलिस को खबर करोगे। जितना वक्त तुम बर्बाद करोगे उतने ही वक्त में तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारे शरीर में बहुत ही खतरनाक माइक्रो कैप्सूल लगा दिए गए हैं, वो तुम्हारे शरीर में घूमते रहेंगे, इसलिए 24 घंटे के अंदर तुम्हें हमारा वो काम पूरा करके तुम्हें यहाँ आना ही है। अगर ऐसा नहीं किए, तुम्हारी नीयत बदल गई तो कहीं भी किसी भी समय हट सकता है।
संभाल के। यहां पर पूरा लेजर लाइट का जाल है। तुम मुझे फॉलो करो, ओके? हेड डाउन। लेफ्ट साइड लेकर हेड डाउन करो। डाउन संभाल के। जंप। माय गॉड। Yeah.
ट्रांसफार्मर उड़ा। कर दिया इन्होंने मामा, इन्होंने मेरा सपना पूरा कर दिया। हे डैनी, डैनी, मैंने हासिल कर लिया, इतने दिनों का सपना मेरा सच हो गया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आजादी, हम सबको आजादी चाहिए। मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा और कुछ बोलो। ठीक है मैं कर दूंगा। सब लोग छोड़कर जा रहे हो, इसलिए तुम लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर देता हूँ। एंजॉय। तुम पागल तो नहीं हो गए सरकार? चोरी करवाने के लिए तुमने झूठी कसम खाई ऐसा मैंने सोचा, लेकिन तुम सचमुच उन्हें घर भेज रहे हो ऐसा मैंने नहीं सोचा था। भैया, जरूरत पड़ने पर हम किसी की जान ले भी सकते हैं, जब इनकी जरूरत नहीं है तो किसी की जान लेने से क्या फायदा। बस इतना ही जाना है हमारे बारे में तुमने है? सालों से सिर्फ ज्वेलरी पाना ही मेरा ख्वाब नहीं था, बल्कि द्रोणा, बाजी और विक्रम, ये ऐसे लड़के हैं जो कि किसी काम को सोच ले तो उसे किए बिना पीछे नहीं हटते। इन लोगों को मैं अपने साथ दुबई लेकर जाऊंगा और वहां पे बहुत सारी रॉबरी करवाऊंगा। हम उन्हें उनके घर ले जा रहे हैं ऐसा कह के अपने साथ दुबई ले जाएंगे। शाम को ठीक 6 बजे हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और ठीक 6:05 पर इस ठिकाने को ब्लास्ट कर दिया जाएगा और हमारे खिलाफ जितने भी गवाह यहाँ दफन हैं, वो सभी ब्लास्ट के साथ हवा में उड़ जाएंगे। इतना बड़ा धोखा, काट डालेंगे इनको। अरे इसकी जरूरत नहीं है, ये हम तीनों को नहीं मार सकते। पहले हम सरकार के साथ जाएंगे, फिर सरकार क्या करता है देखते हैं और वहाँ से भाग जाएंगे, और फिर हम अपने लोगों को मौत के मुँह में छोड़ देंगे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें बचाएंगे। अलग अलग जगह से आने के बाद यहाँ भाईचारे से रहे हैं, हमारी वजह से आज वो घर जाने में कामयाब हो रहे हैं ये सोचकर खुश हो रहे हैं वो। हाँ, उन सबको बचाना होगा हमें। जिस ज्वेलरी के लिए इन लोगों ने हमें इस्तेमाल किया उसे हम अपने कब्जे में लेंगे। हाँ। और उसी का लालच देकर हम इस जगह से बाहर निकलेंगे। अब हम खामोश नहीं बैठ सकते हैं, ज्वेलरी का कुछ ना कुछ करना होगा। सरकार के आदमी मौज मस्ती में बिजी हैं और इसी का फायदा उठाकर तुम उन सबको बचाकर यहाँ ले आओ। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो? वासु, उन लोगों ने इस तहखाने को 6:05 पर उड़ाने का प्लान किया है, लेकिन मैं जाकर 5 बजे का टाइम सेट करके आता हूँ। अचानक जब ये धमाका होगा तो वो लोग जल्दबाजी में अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे और हम उस मौके को ना चूकते हुए अपने आदमियों को वहाँ से ले उड़ेंगे। तब तक ये ज्वेलरी तुम बाजू वाले तहखाने में रख देना। नहीं यारे, सही यारे, आप भैया से भैया रे, ओ यार।
भले अरमा पूरे संग मेरे आवे देख दिल में तू तारे मेरे दिल में है जन्नत की नजारे हरे पहुंचा क्यों नहीं? ये अरे हराम खोरो, मेरे भैया को ही धोखा दे रहे हो। वैलरी कहाँ है? इतना सोचने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमने जो किया वो करेक्ट नहीं, इसलिए मैंने अपनी गलती मान ली है। के रहते तुम कैसे बच सकते हो मैं भी देखता हूं। हाँ?
प्यारी वो ज्वेलरी कहाँ है? कहाँ छुपाया है तुमने? तूने ब्लास्ट करने का टाइम 6:05 का रखा था, लेकिन मैंने 5 बजे का सेट किया। अब हमारे साथ साथ तू भी मरेगा। सका मैंने लोगों को बाहर निकाला और बचने वाले लोगों में बासु भी था। बासु को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, वो कोमा में है। जैसे ही वो कोमा से बाहर आएगा हम ज्वेलरी लेकर गवर्नमेंट को सौंप देंगे। इसके लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी मुझे कबूल है। मैंने ज्वेलरी की चोरी उन लोगों से डर कर नहीं की थी, बल्कि मेरे साथियों को उन लोगों से आजाद कराने के लिए की थी। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। जब बेटा अपने मकाम पर पहुंचता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ ये बोलते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मिस्टर मनोहर, आप क्या कर रहे हैं आपको पता है? निजाम की ज्वेलरी आपके बेटे ने चुराया है, उसने मान लिया है। मेरे ख्याल से निजाम के किसी वीआईपी के घर में, उस वीआईपी के पास एडिशनल सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। सर, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारी डिटेल्स मुझे द्रोणा ने ही खुद बताई है। क्या है कि ये लोग भी उसी ज्वेलरी के पीछे पड़े हुए हैं और वो क्रिमिनल सरकार भी द्रोणा के पीछे पड़ा है। देखिए, आप सिंसियर ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त आप अपने बेटे के प्यार की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने बेटे के प्यार में जज्बाती हो गए। सो द्रोणा किडनैप हो चुका है, उसका कोई अनुमान है आपके पास? कोई अनुमान नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये किडनैप उस हरामी चोर सरकार ने ही करवाया है। हमारा डिपार्टमेंट हमें सहयोग करने की बजाय हम पर उंगली उठा रहा है। बट मैं एक सिंसियर ऑफिसर के साथ साथ एक बाप भी हूँ, और अपने बेटे को मैं कैसे बचाऊंगा ये मैं उन लोगों को करके दिखाऊंगा। ये सब कुछ जानने के बाद भी पार्टी ने पुलिस को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए एसपी मनोहर अपना तीव्र गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। कैमरा मैन रमन के साथ लता टीवी 5। ये किडनैप
उस हरामी चोर सरकार ने कराया है। मैं मामा 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 एटलीस्ट हमने जो सोचा वो पूरा हुआ, अभी हम लोग यहाँ से फरार हो जाएंगे। बस के लिए भी पैसा नहीं है। पैसों की क्यों चिंता करते हो मामा, अगर एक ज्वेलरी बेच दिया तो फिर पैसा ही पैसा। ज्वेलरी? हमारे पास कौन सी ज्वेलरी है? द्रोणा ने ज्वेलरी कहाँ छुपाया है ये नहीं बताया? उसके बारे में द्रोणा को ही पता है। कैसे पता चलेगा मामा? अगर हम किडनैप करें तो बड़ों बड़ों का माइंड ब्लॉक हो जाना चाहिए। किए बगैर ही माइंड ब्लॉक हो गया। ये क्या बोल रहे हो मामा? द्रोणा नहीं मिला सरकार। नहीं मिला? हाँ। क्या मामा तुम्हारी कॉमेडी, न्यूज चैनल में हर वक्त यही तो दिखा रहा है। नहीं सरकार, हमने उसे किडनैप नहीं किया। तो क्या इसका मतलब सारे टीवी वाले मिलकर झूठ बोल रहे हैं? वो सच बोल रहे हैं, द्रोणा किडनैप हुआ। फिर है वो कहाँ पर है? वो हमारे पास नहीं है। तो क्या भाग गया? वो क्या है कि मिला ही नहीं। मतलब किडनैप नहीं हुआ है? किडनैप तो हुआ है। अपने लोगों को किडनैप करने के लिए भेजा था ना? हमने उसी के लिए भेजा था, वो उसी के लिए गए थे। और वही तो न्यूज वाले भी बता रहे हैं, किडनैप किया है इसीलिए तो बता रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं सरकार। तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं? तुम्हारी समझ में तो आ रहा है ना, असल में वो किडनैप नहीं हुआ है। वो जो बोल रहे हैं वो तो सही है ना? हाँ वो भी करेक्ट है। हमारे लोगों ने ये नहीं किया। हाँ ये भी करेक्ट है। जब हमारे आदमियों ने ये नहीं किया तो करेक्ट कैसे? किडनैप हुआ है इसलिए। लेकिन द्रोणा तो नहीं मिला ना? सच है, द्रोणा नहीं मिला सरकार। तो क्या ये टीवी वाले झूठ बोल रहे हैं? अरे रे रे, आपके दिमाग में भूसा भरा है सरकार, आप खुद कंफ्यूज है और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे आदमी उसे किडनैप करने गए थे ये सच है, द्रोणा किडनैप हो गया ये भी सच है, फिर भी मतलब बात मत करिए संतोष। ऐसा मत करना। उसे किडनैप करने हमारे आदमी गए थे लेकिन द्रोणा पहले ही किडनैप हो चुका था। मतलब किडनैप किसी और ने किया। थैंक्स गॉड, मुझे यकीन नहीं था कि तुम समझ जाओगे। तो फिर ये बताइए, एसपी मनोहर ने किडनैपिंग केस में टीवी में हमारा नाम क्यों दिया? पुलिस तो हमेशा ही ऐसी ही चाल चलती है। हाँ अच्छा, एक काम करोगे मामा, मनोहर एसपी को ये सारा एसएमएस कर दो। उसे नहीं पता होता तब ना भेजते। मतलब उसे पता है? हमने नहीं किया यही नहीं, किसने किया वो भी पता है, वही जानता है, सिर्फ उसे ही पता है। हटो भाई, भाई वो तेरी लड़की वहाँ एंगेजमेंट कर रही है भाई। सारी विधि पूरी हो गई, अब अंगूठी पहनने का वक्त आ गया। ठीक है पंडित जी, अब तुम लड़की को अंगूठी पहना सकते हो। आज के बाद तुम इसका साथ कभी नहीं छोड़ना बाबू। गर्दानी भूतनाथ पिशाचों के राजा, रोकते इस कन्या की शादी, ये सिर्फ मेरी है। ओ गर्दानी हिंदू मते, तेरी शादी जब तक इस शरीर में जान है तेरी शादी नहीं होने देगा ये ओ गर्दानी। कौन हो तुम? शमशान और कब्रिस्तान पर राज करने वाला मैं हूँ, वहाँ का शहंशाह अघोरी बाबा। अघोरी बाबा हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर शमशान में बैठो ना। 40 दिनों से सबकी सेवा कर करके तेरे पास इस उम्मीद से आया कि तू मुझे सेवा करने का मौका देगी और मुझे प्यार से अपना लेगी। लेकिन तू मेरे हाथ में अंगूठी ना पहना कर, इसके हाथ में अंगूठी पहना कर उससे शादी कर रही है। मैं कोई मामूली नहीं हूँ, अघोरी हूँ। तो फिर पहले क्यों नहीं बोला? तो अभी बोल देना, नहीं तो ये अघोरी तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं तू कुछ भी नहीं कर सकता। ये अघोरी बाबा है, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होने वाला, मैं भी देखती हूँ कितना बड़ा अघोरी था तुम्हारे माध्यम से। अब क्या करोगे भाई? अपने आंसुओं को रोक लो भाई। बेटा जब तक तू खाना नहीं खाएगा
तब तक तेरी माँ जो है ना मुझको खाना नहीं देगी, मैं भूखा रहूंगा। आपने अपने उसूलों को साइड में रखकर अपने बेटे को बेगुनाही का सबूत साबित करने का एक मौका तो दिया। किसी का बुरा नहीं करना ये अच्छी बात है, लेकिन मीनाक्षी बुरे के साथ बुरा करना ही ऐसी अच्छी बात मेरे बेटे ने मुझे सिखाई है। बाप की हैसियत से मैं इसकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही। ये क्या, तूने अभी से टिफिन लाना शुरू कर दिया? लेकिन क्या फायदा आंटी, आप तो पहले से ही। अब जब ये खाना लेकर आई है तो हमारी यहाँ क्या जरूरत, चलिए जी। माँ खा ले बेटा। पापा, लड़की के हाथ के खाने की आदत पड़ गई है तो माँ के हाथ का कैसे अच्छा लगेगा? परोसूं क्या? इसीलिए तो वो लोग चले गए ना। अब परोसूंगी, लेकिन एक निवाले पर एक किस। जरा यहाँ आओ। जाना मैं जातू है वहां, बाहों में आ जाओ ना ओ मेरी मैना।
उसे क्यों मार रहे हैं सरकार? उसने तो सच बोला जो हम नहीं बोल पाए। वो द्रोणा हमारा क्या उखाड़ लेगा मामा? जितना उखाड़ा उतना कम नहीं मामा। गुस्सा नहीं, ड्यूटी पे बैठा कांस्टेबल अगर हमारी बात सुन लिया ना तो समझ लो अपनी बच जाएगी। सरकार तुम्हारा सफेद चेहरा काला हो जाएगा और मेरी काली दाढ़ी सफेद हो जाएगी। ये उसी का इफेक्ट है जो द्रोणा ने चक्रव्यूह रचा है। जो बम हमने लगाए थे वो फटने से पहले हमारी कुर्सी के नीचे लगाकर भाग गया। ये सारी मुसीबत हम पर क्यों आती है? जब हम लोग गलत काम करते थे तो राजा की तरह रहते थे, आज जब किडनैप किया ही नहीं तो चोरों की तरह भागना पड़ रहा है। भागना तो पड़ेगा ही, वो कहावत नहीं सुनी, लोहा लोहे को काटता है। उस द्रोणा के हाथों हम लोगों की बर्बादी हो जाएगी। हम पुलिस में जाकर ये कह देंगे कि किडनैप हमने नहीं एसपी ने करवाया है। फिर वो ज्वेलरी कहां पर छिपा सकता है वो? अरेस्ट होने के बाद जब वो जेल में बैठा था उस वक्त भी उसने नहीं बताया। जानते हो क्यों? क्योंकि अपने यहाँ से ज्वेलरी उठाने के बाद अपनी इमेज बनाने के लिए गवर्नमेंट के हवाले करने का प्लान पहले से ही बना लिया था। गड़बड़ कैसे हुए? हाँ, बासु ही याद है, प्लान तो द्रोणा का ही था लेकिन ज्वेलरी निकाला बासु ने, विक्रम ने बताया। लेकिन बासु तो डैनी के हाथों मारा गया था ना? अगर बासु मरता तो इतना बिंदास होके अपने घर नहीं जाता सरकार। अगर बासु अभी तक जिंदा है तो द्रोणा अब तक खामोश क्यों है? वही सोच रहा हूँ, फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच खेल रहा होगा वो। ए, चलो इस सिटी में जितने भी हॉस्पिटल है सब में ढूंढो उसे। अरे ये टी वाली लड़के हॉस्पिटल में। गुड मॉर्निंग सर, आई एम इंदु। प्लीज, आपके बारे में द्रोणा ने बताया था। वासु सर, वासु होश में आ रहा है। हाय वासु, आई एम जॉनी। इतने दिन तक तुम्हारा ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा था। अब कैसे हो? मैं इंदु हूँ। इंदु, ये द्रोणा की फियांसी है। मुझे एक बार द्रोणा से मिला दीजिए। ऑफ कोर्स। हाय द्रोणा, इंदु बोल रही हूँ, बॉस को अभी अभी होश आया है। सच में? ऐसे बासु को उठाकर ले गए। मेरी जान गई तब भी नहीं बताऊंगा। तो फिर द्रोणा की जान जाने पर बताओगे? द्रोणा की परछाई को भी छू नहीं सकते तुम। तुम्हारे कोमा में जाने के बाद हम लोगों ने बहुत झेला है, छूने का नहीं, हमने द्रोणा को किडनैप भी कर लिया है। यकीन नहीं आया ना? तो फिर खुद देख लो तुम। कोई अनुमान नहीं है, मुझे पूरा यकीन है ये किडनैप उस हरामी चोर सरकार ने करवाया। हमारा डिपार्टमेंट हमारा साथ देने की बजाय हम पर उंगली उठा रहा है। बट मैं एक सिंसियर ऑफिसर के साथ साथ एक बाप भी हूँ। हाँ बोल, अब क्या करेगा? नहीं द्रोणा को कुछ मत करो, मैं बताता हूँ ज्वेलरी कहाँ है। Hmm.
अरे नहीं नहीं मुझे मत मार। काउंटर अरेस्ट इन इनके को भी अरेस्ट कीजिए सर। सर हम दोनों को एक ही जेल में रखिए सर, क्योंकि अकेला नहीं रह सकता है सर। तू बंद रखो, चल। मुझे डोमिनेट करने चला था ना, अभी तू भी जा रहा है और साथ में मैं भी जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ ज्वेलरी कहाँ छुपा के रखी है। सुनिए जी, मेरे बेटे ने गलत किया तो उसे आपने अरेस्ट किया, अभी इसे भी अरेस्ट करो। अब उसे क्यों अरेस्ट करना है? अरे इसने मेरे बेटे का दिल चुराया है। फिर तो इसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। <laughs>